आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के पुलिस मुठभेड़ में टॉप 10 व 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक फायरशुदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार। बदमाश के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत। टॉप 10 का अपराधी सुनील कुमार कई थाने से चल रहा था फरार। थाना कोतवाली उतरौला ग्राम चमरू नहर पर बनी साइफन पर पुलिस मुठभेड़ में टॉप 10 अपराधी सुनील कुमार के बाएं पैर में लगी गोली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में चल रहा है इलाज। अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के अभियान में टॉप 10 बदमाश गिरफ्तार। आज दिनांक 22/4/2022 को थाना क्षेत्र उतरौला का एक वांछित अपराधी सुनील कुमार, इसके संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई कि ये चमरूपुर के आसपास देखा गया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक उतरौला व उनकी पूरी टीम चमरूपुर के आसपास पहुंची और उन्होंने अभियुक्त की खोज की, जहां पे उनको अभियुक्त की जानकारी मिलने पर उसका पीछा किया गया और पीछा करने पर अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। जवाबी उसमें अपने बचाव में पुलिस की टीम के द्वारा भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त सुनील को पैर में गोली लगी है और उसको तत्काल चिकित्सा हेतु CHC उतरौला में एडमिट कराया गया। अभियुक्त सुनील जो है वो हमारा 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है और उसके खिलाफ जो है कई अभियोग अलग अलग थानों में पंजीकृत है। पिछले साल नकबजनी की घटना में वो वांछित रहा है और इसके अलावा वो उतरौला थाना क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी है। इस पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इसके आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।